चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार और झारखंड में भी अपना जबरदस्त असर दिखा रहा है। देखिए ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में। ओडिशा के तट से टकराने के बाद यास तूफान अब बिहार और झारखंड में आसमान से आफत बरसा रहा है। पश्चिम बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड के ज्यादातर हिस्सों में भी गुरुवार से मौसम बदल गया। ओडिशा से यास आगे बढ़ चुका है, लेकिन तूफान के बाद इसके निशान अब तक नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता, दीघा, मिदनापुर जैसे इलाकों में यास तूफान के गुजर जाने के बाद भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कमजोर पड़े यास ने झारखंड और बिहार में एंट्री मारी तो रांची समेत कई जिलों की तस्वीर ही बदल गई। राजधानी रांची के कई इलाकों में लगातार बारिश से पानी भर गया। भारी बारिश से झारखंड में स्वर्ण रेखा समेत कई नदियों में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में यास के असर से बारिश का दौर शुरू हो गया है। बिहार में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है, साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। तूफान तो चला गया मलिका, लेकिन इसका असर अब भी देखने को मिल रहा है। कोरोना काल में तूफान झेलने वाले ओडिशा ने एक बार फिर ऐसा काम कर दिखाया है जिसे सलाम किया जा रहा है। संकट के समय नवीन पटनायक सरकार के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है। यास के शांत होते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तूफान से होने वाले नुकसान का जायजा लेने निकल पड़े। चक्रवाती तूफानों के खिलाफ मैनेजमेंट में नवीन पटनायक सरकार ने एक नजीर पेश की है। अब कोरोना काल में दूसरा बड़ा तूफान झेलने वाले ओडिशा में जो काम हुआ है उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। यास तूफान के बावजूद ओडिशा ने कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर नहीं पड़ने दिया और ये संभव हो पाया सरकार की बेहतरीन प्लानिंग और जमीनी स्तर पर मेहनत से। अपनी सप्लाई को पहले ही 3 दिन के लिए भेज दिया। जब ये टैंकर्स, ये ट्रक्स अपनी अपनी जगहों पे पहुंच गए तो ऐसे कई ट्रक्स हैं जिन्हें तटीय इलाकों से हटाकर अंगुल, राउरकेला यानी कि वेस्टर्न ओडिशा में रख दिया। अब इन्हीं गाड़ियों के जरिए बाकी राज्यों में ऑक्सीजन भेजा गया। एक दिन के लिए एयरपोर्ट बंद रहा, लेकिन इससे सप्लाई नहीं रुकी। कोरोना काल में ओडिशा से 18 राज्यों को सप्लाई की जा रही है। चक्रवाती तूफान यास के दौरान भी ये सिलसिला जारी रहा। इस कामयाबी के पीछे सरकार के 3 पॉइंट फॉर्मूले यानी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को वजह बताया जा रहा है। दूसरे राज्यों को जहां तूफान से पहले ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर दी गई थी, वहीं ओडिशा के अलग अलग जिलों में भी 3 दिन पहले ही भद्रक, बालासोर जैसे जिलों में ऑक्सीजन स्टोरेज को 2 गुना कर दिया गया। ABP News आपको रखे आगे।